राम राम जी। आज ये अपनी इस भैंस के सींग बनवा रहे हैं, ये देखिए जी। ये देखें जी, तो ये पूरा नीचे कट गया था इसमें, तो नीचे से थोड़ा काट के। और दूध कैसे देती है भैंस देखें भाई, दर्द बहुत हो रहा था इसको। कई जो हमारे पशुपालक भाई हैं वो ध्यान नहीं देते इस चीज़ की, तो भी इसको बढ़िया करवा रहे हैं देखें। और एक मिनट रुकिए, ये देखें भाई अंदर गड़ रहा है इस साइड वाला, जगह नहीं बिल्कुल भी नहीं है इसके। बना भाई तीन जल, तो भाई ऐसी ऐसी बात है जो ध्यान रखने के अपने पशुपालक भाइयों को। इससे दूध थोड़ी ना देगी भैंस, अगर दर्द ही बहुत हो रहा था इसको, नीचे से काट के इसको अभी ऊपर से इसको रिंग बना रहे हैं बिल्कुल। ये देखें, तो भाई जैसे अपने कई भैंसों के जैसे पाँव भी के जो खुर है वो भी बढ़ जाते हैं, तो वो भी ध्यान देना चाहिए। तो जिस भाई से हमने लेके आए हैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था उसने, तो अभी इसको ठीक करवा रहे हैं जी। तो अभी भैंस के नीचे 14 किलो दूध तैयार है इसमें, और अभी 18 किलो दूध बिल्कुल आराम से बना जाएगी ये भैंस, क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था इसको। और जो एक साइड का सींग है वो तो बिल्कुल ही गड़ा हुआ है इसको माथे में, तो भैंस बिल्कुल बेचैन हो रही थी इसी कारण। तो ये देखें जी, अपने तिंजल भाई हैं ये, बहुत बढ़िया सींग बनाते हैं। ये जो वीडियो हम कवर कर रहे हैं राज डेयरी फार्म से जी, भैंस भी आप ले सकते हैं अपने फार्म से, कटड़ियाँ लेनी हो तो भी। तो ये भी इसको जो सींग है वो बनवा रहे हैं जी, ये देखें आराम आराम से छिलका उतारे, नहीं तो कच्चा निकल जाएगा। बहुत अच्छे कारीगर हैं हमारे भाई साहब, ये देखें आराम से, क्यों इसको दर्द भी होता जी देखो, और फिर बाद में ठीक हो जाएगा। ठीक है जी, जितने भी भाई हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ऐसी ऐसी बात ध्यान रखें जी। देखो पशु हम सभी रखते हैं अपने घर में, अगर ऐसी ऐसी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो बेजुबान है जी जानवर। तो देखो हम ध्यान ही नहीं देंगे तो पशु रखने का कोई फ़ायदा नहीं है जी। तो किसी भी भाई साहब को भैंस लेनी हो, कटड़ियाँ लेनी हो, कटड़े लेने हो अच्छी भैंसों के, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं जी, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं अपने। तो आज जो भैंस की जो सींग बना रहे हैं उसके बारे में आप भाइयों को थोड़ी जानकारी दी, जैसी भी है, क्योंकि शरीर के जैसे ऊपर हिस्से में गड़ जाते हैं उससे क्या होता है वहाँ पे कीड़े पड़ने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, और सारा दिन पशु क्या है जो खाज करेगा दीवार पे, मारेगा सींग को, क्यों बेचैन हो जाती है बिल्कुल। तो कैसा लगा आज का वीडियो जी, तो ठीक है। तो ये देखें जी, अभी लगभग देखें ये कितना हट गया इसके, अलग हो गया ये देखें, पहले इसके अंदर घट रहा था पूरा ये, तभी और भी ठीक करेंगे भाई साहब। तो ऐसी ऐसी बातें ध्यान रखें जो हमारे किसान भाई है जी। छोटी सी जानकारी दी, कैसी लगी, सभी को राम राम जी, नमस्कार।